नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कल देश के युवा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेकारी दिवस नहीं, इस बार जुमला दिवस के रूप में मनाएंगे। प्रधानमंत्री की यूं तो छवि जुमलेबाज की रही है, लेकिन यह जुमला दिवस में तब्दील हो जाएगा। यह इतिहास में पहली बार ही सोचा गया होगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी इतिहास में हर बार कुछ नया करते। पिछले 7 सालों में ऐसा क्या बीता है कि युवाओं को लगा है कि इसे जुमला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? आखिर रोजगार की यह रफ्तार क्यों है कि यह मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में तब्दील हो जाता है? और सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों रोजगार देने के दावा उत्तर प्रदेश की सरकार खुद करती है पिछले 4 वर्षों में। हर बार वह विज्ञापनों से लेकर हर जगह बताती है कि वह कितने लाख युवाओं को रोजगार दे चुकी है। इन तमाम सवालों पर कल युवा हल्ला बोल की तरफ से जुमला दिवस मनाया जा रहा है। उसके हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके सहयोगी, उसके साथी गोविंद मिश्रा हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यह आइडिया उन लोगों के दिमाग में क्यों आया, एक देश के प्रधानमंत्री को लेकर यह दिवस मनाने की मजबूरी क्या हुई। गोविंद, आपका स्वागत है जनज्वार में। पहला सवाल यही कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे यशस्वी व्यक्ति को लेकर आप लोग जुमला दिवस क्यों मना रहे हैं? जी, इसकी शुरुआत अजय जी पिछले साल हुई थी, और आपको याद होगा कि जब कोरोना अपने पीक पे था उस समय मोदी जी कोरोना को भगाने के लिए एक आइडिया लेके आए थे जिसमें ताली थाली बजाया जा रहा था। जी जी जी, याद तो, है, सबको याद है जी। बिल्कुल, शिक्षक दिवस का अवसर था वो 5 सितंबर, जिसके लिए कॉल दी गई थी कि 5 सितंबर को अगर बेरोजगारी भगानी है तो उसके लिए हम लोग ताली थाली बजाएंगे। देश भर से वीडियो फोटोज आए थे, जो आपको शायद याद होगा जी। और उस समय एक मेन डिमांड ये थी कि SSC और रेलवे की परीक्षाओं को लेकर के छात्रों में आक्रोश था, परीक्षाओं में देरी हो रही थी, उसको कराने के लिए एक डिमांड था जिसके लिए 5 तारीख को ताली थाली बजाई गई। इस ताली थाली वाले कार्यक्रम के बाद में अनुपम जो युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि आने वाले 17 सितंबर को, पिछले साल की बात है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे हम लोग बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। और रोजगार की जो स्थिति थी कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, बेरोजगार युवाओं के आत्महत्या की लगातार केसेज बढ़ते जा रहे थे, और सरकार का वही रवैया कि जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे थे। पिछला 17 सितंबर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया और जुमला दिवस के रूप में भी मनाया गया। लोगों ने तमाम जुमलों को, जो सरकार के जुमले थे, जैसे 2 करोड़ रोजगार का एक बड़ा जुमला जिसको सरकार, ये मोदी सरकार, मोदी जी सरकार में आने से पहले ही दे चुके थे कि सरकार आने पे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल देंगे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति है कि 2 करोड़ नौकरियां छिन चुकी हैं। तो इन सरकार के इन फर्जी आंकड़ों के खिलाफ, ये जिसके जिम्मेदार हम लोग प्रधानमंत्री को मानते हैं, उनके जन्मदिन को मनाने का वो अवसर था पहला जब हम लोगों ने बेरोजगार दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया था। अब इस एक साल बीत जाने के बाद में सरकार फर्जी आंकड़े देती है, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, इन सवालों पर आगे बात करेंगे। पहले एक जानकारी आप दे दें कल के कार्यक्रम की, कि कल देश भर में किस रूप में कार्यक्रम मनाया जाएगा, कहां कहां प्रमुखता से मनाया जा रहा है, क्या फॉर्म होगा कार्यक्रम का। अजय जी, जो पिछली बार से इस बार जो चेंजेज हैं इस कार्यक्रम में, पिछली बार निजीकरण के विरोध में लोग नहीं थे और जो उससे इफेक्टेड जो लोग थे वो लोग इस बेरोजगारी वाले, बेरोजगार दिवस मनाने वाले कार्यक्रम में नहीं थे। इस बार मोदी जी का एक जुमला आपको याद होगा कि हम देश नहीं बिकने देंगे, बड़ी जोर शोर से मोदी जी सुनाए थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। आज स्थिति ये है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो सरकारी उपक्रम हैं, उनको सरकार बेचने पे आमादा है, बैंकों को प्राइवेट कर रही है। इस बार जो जुमला दिवस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है, उसमें ये तमाम वर्ग जो सरकारी उपक्रमों के बेचे जाने से रोष में हैं, जो बेरोजगार युवा जो परेशान है,
जो लोग महंगाई से परेशान है, महंगाई का भी लगातार इशू था कि गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आज सब अपने पारे से ऊपर चला गया है। तो इन सब के विरोध में कल जुमला दिवस मनाया जाएगा। मतलब ये गोविंद आपकी बातों से अगर मैं समझूं और दर्शक समझे कि पिछली दफा तो बेरोजगार युवा और एसएससी और रेलवे से जुड़े हुए युवा या इस तरह की सरकारी नौकरियों की चाहत रखने वाले युवा थे जुमला दिवस पर या बेरोजगार दिवस जो कल मनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, इस बार युवा हल्ला बोल ने कुछ और समाज के समुदायों प्रभावित को जोड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में निजीकरण के खिलाफ जो लोग हैं, महंगाई के खिलाफ जो लोग हैं, वह भी कल के जुमला दिवस यानी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगे, यही मतलब है। जी जी बिल्कुल जी, जी। इस बार वो बेरोजगार युवा तो होंगे ही, साथ साथ में अन्य लोग जो रोजगार में तो पहुंच गए हैं लेकिन उनकी नौकरियां खतरे में है और ये सरकारी पीएसयूज को बेचा जा रहा है, इसके विरोध में बहुत सारे लोग जो महंगाई से परेशान है वो सब भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री तो केवल बेरोजगार युवाओं के हैं नहीं, ये तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश भर का दायित्व है कि इस प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना। और लोग अपने कामों से जाने जाते हैं। अब हाल ही में हम लोगों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से प्यार था उसकी वजह से उनका बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनको जुमलों से बड़ा प्यार है, तो वो जुमला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल जो बेरोजगार युवा होंगे वो बेरोजगारी मार्च निकालेंगे, अन्य अन्य शहरों, बहुत सारे शहरों में निकाला जाएगा। उसके बाद लोग केक काटेंगे, इन केक भी काटेंगे जन्मदिन पर। वाह बिल्कुल, पिछले साल भी कई सारा केक। अच्छा, जुमला दिवस पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर केक भी काटा जाएगा। जुमलों का केक होगा, वो बेसिकली एक जुमलों का केक होगा जो प्रधानमंत्री को बहुत पसंद है। अब उनके पसंद के बिना तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। और उसके अलावा भी ये ताली थाली वाला भी कार्यक्रम कुछ जगह होगा, जो लोग अलग अलग चीजों से पीड़ित है, हो सकता है बेरोजगारी इस बार ताली बजाने से चली जाए, थाली बजाने से चली जाए। तो जो भी मोदी जी के ही तरीके में जवाब देने का एक काम करेंगे, देश भर के युवा काम करेंगे उसको और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, एक बात जब आप शुरू में पहली बात जहां मैंने काटा और कहा कि कार्यक्रम बना बता दे, आपने कहा कि सरकार फर्जी आंकड़े पेश करती है, ये एक बड़ी बात है। युवा हल्ला बोल एक गंभीर और अच्छा संगठन है जो युवाओं के सवालों को उठाता है। या जो आप आरोप लगा रहे हैं इसके आधार कुछ आप लोग बताएंगे जिससे कि लोग वाकई समझ सकें, कि क्योंकि अक्सर आप दिल्ली में भी मैं देखता हूं, बाकी जगहों में भी देखता हूं कि हर जगह योगी आदित्यनाथ का बोर्ड लगा रहता है और लगा रहता है रोजगार ही रोजगार या कुछ 4 लाख रोजगार, इस तरह के दावे रहते हैं। तो क्या ये सब फर्जी दावे हैं? जी अजय जी, आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग दिखते हैं और वो देश भर में दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो सकता है कम भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर उससे बढ़ चढ़ के हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि इन्होंने पिछले 4 साल में 4 लाख नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं। जबकि हमने RTI में इनसे सवाल किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात को बताए कि ये नौकरियां किन लोगों को दी गई हैं और किन विभागों में दी गई है। अब ये सरकार का रिप्लाई उस RTI में आता है कि हमारे पास उसका जवाब नहीं है। यही सवाल हम लोगों ने कार्मिक मंत्रालय से पूछा कि किन लोगों को ये 4 लाख नौकरियां दी गई हैं। वहां से भी जवाब आया कि ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है। जब सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि किनको नौकरियां दी गई हैं, किन विभागों में दी गई हैं, तो ये फर्जी आंकड़े ही है ना जिनको ये प्रचार के लिए हर जगह टांगे फिर रहे हैं। अब हैदराबाद के एयरपोर्ट से लेके बैंगलोर एयरपोर्ट पे, दिल्ली में ले जाकर के हर जगह ये प्रचारित कर रहे हैं कि नौकरी। अभी योगी आदित्यनाथ जी देश के, मतलब माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री है ना, प्रधानमंत्री तो अभी है नहीं, तो केवल देश भर में क्यों प्रचार करते हैं आजकल मुख्यमंत्री लोग अपने काम। अब वही, अब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ही होगा, वो अपने पास से अपनी संपत्ति तो लगा नहीं रहे हैं, उस संपत्ति में जितना ये प्रचार कर रहे हैं उसमें लाखों युवाओं को नौकरी मिल सकती थी। फर्जी आंकड़ों का एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो चलाया गया
जिसमें बताया गया कि योगी सरकार के शासन में एक लड़का है जो लेखपाल बन गया। हाँ हाँ, बहुत दिलचस्प योगी सरकार स्टोरी थी, बिल्कुल। हाँ, योगी सरकार के शासन में कोई लेखपाल की भर्ती हुई ही नहीं, तो फिर वो लेखपाल कैसे बन गया? ये जब हम मामला हमने उठाया तो ये योगी सरकार अपना ट्वीट तक डिलीट कर दी, मतलब वो बात वापस लेने वाली ही जैसी थी। तो एक तो ये झूठा प्रचार करते हैं, अगर उसको कोई काउंटर करे तो वो उसे वापस लेते हैं। तो युवा हल्ला बोल पूरी मुस्तैदी के साथ इनको, हर इनके झूठ पे मुस्तैदी से खड़ा है और इनके हर झूठे प्रचार का पर्दाफाश करने पे लगा है। हमारा कहना है कि जो भी सरकार है ये प्रचार नहीं, असल रोजगार पे ध्यान दे, तब जाके इमेज इनकी कुछ सुधर भी सकती है। लेकिन ये तो अच्छा हुआ ना कि आप लोगों ने, मान लीजिए कि जो गलत ट्विटर हैंडल पर योगी आदित्यनाथ के लग गया था उसको बताया, उसके बाद हटाया गया। झंझवार ने भी स्टोरी की थी, काफी पढ़ी गई थी स्टोरी। लेकिन ये तो अच्छा रहा कि आप लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगा है, अभी कुर्की जब्ती भी आपके घरों की अभी नहीं हुई है, तो ये तो अच्छी बात मानी जाएगी ना सरकार की, कि आपने कहा बावजूद सरकार ने आप पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब अजय जी, अब एक लाइन में बस मैं कहूंगा कि सर कटाने से कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। क्या अब, बात है, क्या बात। अब इनसे हमें डर नहीं है, अब योगी जो करना हो करें, हम लोग सच बोलते आए हैं और युवा हल्ला बोल से जुड़े हुए सभी साथी मुस्तैदी से खड़े रहेंगे, इनके हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। चलिए, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। कल युवा हल्ला बोल और दूसरे छात्र संगठन संभव है या दूसरे और संगठन, कल देश में जुमला दिवस मनाएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। जैसा कि गोविंद कह रहे थे कि हर नेता अपनी छवि और अपने कामों से जाना जाता है, उन्होंने उदाहरण के तौर पर कुछ एक नेताओं का नाम लिया और बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेहरू बाल दिवस के रूप में याद किए जाते हैं। उसी तरह मोदी को, चूंकि हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनको जुमलों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, लगाव है बेइंतहा, इसलिए जुमला दिवस युवा मनाएंगे। हालांकि मोदी बार बार कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, वो ऋण है, तो जाहिर तौर पर यह भी युवा ही होंगे जब कल सेलिब्रेट करेंगे। और मार्के की बात कल चैनलों को कवर करने की ये रहेगी कि जुमला दिवस पर जो केक कटेगा उसका स्वाद कैसा होगा, इसको कवर करने जरूर उम्मीद करिए गोविंद, कुछ चैनल आप लोगों तक पहुंचेंगे। शुक्रिया आपकी बातचीत, धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।